आजादी के बाद आखिरकार देश में पहली बार उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट सदन में पेश कर दिया है और इसी के साथ ये पास भी हो जाएगा क्योंकि सरकार के पास बहुमत भी है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ड्राफ्ट में क्या था और यूसीसी में क्या बेनिफिट मिलेंगे लोगों को, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सागर मिश्रा व्यू। 6 फरवरी की ये तारीख इतिहास के पन्नों में आज दर्ज हो गई जब यूसीसी को पहली बार किसी राज्य द्वारा अपने सदन में पेश किया गया। तो उत्तराखंड सरकार ने इसे पेश करके एक इतिहास रच दिया है जहां पर बाकी राज्य अभी भी संकोच में थे कि इसे कैसे पास किया जाएगा, कैसे पेश किया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ के धामी सरकार ने इसे पेश कर दिया है सदन में और जल्दी ही ये पास भी हो जाएगा क्योंकि उनके पास एक बहुमत भरी सरकार है। वही ये बिल पेश होने के बाद काफी चर्चा का माहौल गर्म हो गया कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये नहीं मिल रहा, उसमें वो नहीं मिल रहा है, हमारी बातें नहीं मानी गई। इस तरीके के विचार लोग अपने तरफ से रख रहे हैं और खासकर एक समाज रख रहा है। कौन समाज रख रहा है ये सब लोग जानता है। यूसीसी कानून खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी जिनको न्याय नहीं मिल रहा है और खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए तो ये वरदान रूप में साबित होगी क्योंकि उन्हें आज तक जिस तरीके से वंचित रखा गया है उनके हकों से, उसको अब वो लोग अच्छे से पा सकेंगी। तलाक के बाद जिस तरीके से उन्हें हर जाना मिलता नहीं है, जिस तरीके से उन्हें गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता था, उन्हें 6 महीने तक पैसा देके एक बहुत छोटी रकम देके उन्हें चलता किया जाता था और ये मुस्लिम पुरुष लगातार अपनी शादियां करते जाते थे, चटचटो शादी करते थे, जब इनका मन करे किसी को तलाक दे दिए अपनी बीवी को, फिर शादी कर लिए, फिर तलाक दिए, फिर शादी के लिए, इसी तरीके का माहौल ये लोग रचते रहते थे। बच्चे पैदा हो रहे हैं, शादी हो रही है, तलाक हो रहा है। तो ये जो बहता हुआ नदी था इसे धामी सरकार ने एक बांध बना के रोक दिया है और कह दिया है कि आप अन्याय के रूप में ये जो कार्य कर रहे थे अब ये नहीं चलेगा, मुस्लिम महिलाओं को सारे अधिकार आपको देने होंगे। अगर आप उन्हें तलाक देंगे तो उन्हें गुजारा भत्ता भी आपको देना होगा, किसी भी मुस्लिम महिला के संग अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस कानून के आ जाने के बाद। इस बिल में ये भी कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिलेंगे जो हिंदू महिलाओं को मिलते हैं, जैसे कि तलाक के बाद जो उन्हें गुजारा भत्ता मिलता है वो तो मिलेगा ही, अपने पिता माता पिता के संपत्ति में भी उन्हें हक मिलेगा, अगर पति का कोई संपत्ति है तो उसमें भी उन्हें हक मिलेगा, उन बच्चों को भी हक मिलेगा जो किसी भी तरीके के शादी से हुए हो, चाहे वो पहली शादी हो, दूसरी शादी हो, या दूसरे अब्बू हो या तीसरे अब्बू हो, किसी के भी हो, उनको संपत्ति में हक मिलेगा ही, अब कोई भी नाजायज नहीं कहलाएगा। तो उन्हें हक भी मिलेगा, उन्हें सम्मान भी मिलेगा जो आज तक मुस्लिम महिलाओं को उनके बच्चों को नहीं मिल पाया है जो इस तरीके के शोषण का शिकार होते हैं। वहीं पर मुस्लिम महिलाओं का जो छोटी उम्र में शादी हो जाता था, अब इस बिल के आने के बाद 18 साल के पहले उनकी शादी नहीं होगी और मुस्लिम पुरुषों का 21 साल की उम्र के पहले शादी नहीं होगा। 4 शादियों पे तो बैन लग ही जाएगा, उसके बाद मुस्लिम जो पुरुष है वो अपने मनमर्जियों से जो 10 शादी कर लेते थे वो भी अब नहीं चलेगा। शादी करनी है तो दूसरे को तलाक दो तभी तुम दूसरी शादी कर सकते हो, और अगर पहली को तलाक दे रहे हो तो उन्हें गुजारा भत्ता भी देना होगा तभी तुम दूसरी शादी कर सकते हो। इस तरीके का कार्य अब नहीं चलेगा इस राज्य में, ये बात साफ साफ धामी सरकार ने कर दिया है। इस बिल से क्रिश्चियन और पारसी महिलाओं को भी फायदा होगा कि वो अब दूसरे धर्म में अगर शादी कर लेती थी तो उन्हें जो अधिकार नहीं मिल पाते थे उस अधिकार से वंचित रख दिया जाता था, अब उस अधिकार को भी वो पा सकेंगी। तो इस तरीके से ये बिल सिर्फ मुस्लिम नहीं सभी धर्मों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। अभी तक हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन को ही इस नियम का पालन करना पड़ता था और बाकी जो भी धर्म के लोग थे इससे बच जाते थे, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में सभी एक समान हो चुके हैं, सभी धर्मों को इस नियम का पालन करना होगा, ये उन्हें अच्छा लगे या न लगे, संविधान के हिसाब से ही चलना होगा, संविधान को ही पालन करना होगा। किसी भी तरीके से उनका मनमानी अब नहीं चलेगा इस ड्राफ्ट के बाद। ये जैसे ही लागू होगा उसी के साथ एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार एक बहुत बड़ा इतिहास रच देगी और उन सभी राज्यों को एक तरीके से
आईना दिखा देगी जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये हो जाएगा ये वो हो जाएगा, सर्वधर्म के लिए हम ऐसा हित करते हैं ऐसा काम करते हैं, लेकिन जो सही काम है वो आप नहीं करते हैं, आप मुस्लिम महिलाओं के संग गलत काम कर रहे हैं, उन्हें अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा? एक देश है तो एक कानून भी चलेगा, संविधान सबके लिए एक है, तो आपको इस तरीके कानून लाने होंगे चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। वहीं अब सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि अब मौलवी मौलाना जो हैं, जो एक धर्म विशेष के हैं, वो लोग लगातार अब इस ड्राफ्ट के लिए लोगों को भड़का रहे हैं और खासकर मुस्लिम महिलाओं को भड़का रहे हैं जिनके लिए ये वरदान साबित होगा ड्राफ्ट, और इसमें जो भी फायदे उन्हें मिलने वाले हैं उससे उनका मन भटका के ये लोग अलग अलग तरीके की बातें उनके मन में डाल रहे हैं, और मुस्लिम महिलाएं जो इस तरीके के बहकावे में आ रही हैं इन मौलवी मौलानाओं की वजह से और दूसरी महिलाओं को उकसा रही हैं, डरा रही हैं, धमका रही हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से परेशान कर रही हैं कि आप लोग विरोध जताइए, और आप लोग जल्द ही देखने को मिलेगा, हो सकता है कि फिर से शाहीन बाग जैसा कोई उपद्रव भी आपको देखने को मिल जाए उत्तराखंड में, तो ये नई बात नहीं होगी। इस तरीके के चीज़ों को कैसे उत्तराखंड सरकार रोक पाएगी ये भी जानने वाली बात होगी, भविष्य में इसका भी हमें पता चल जाएगा। वही विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष का काम तो वही है, कांग्रेस हो या कोई भी हो, उनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से बीजेपी के द्वारा कोई भी तरीके का बिल लाया जाए, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, उसका विरोध करना है, उसके खिलाफ बोलना है, देश के लोगों को भड़काना है, देश विरोधी बातें करनी है, देश विरोधी बातें करने वाले लोगों का साथ देना है, देश को किसी भी तरीके से चोट पहुँच सके, मोदी की छवि खराब हो सके, बीजेपी की छवि खराब हो सके, यही तरीके का काम करना है। तो कुल मिला के कांग्रेस की यही हालत है कि उन लोगों को भूखे भेड़िए जैसे होते हैं, जूठा कूटा मिल जाए तो उसी पे अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, उसी तरीके की कांग्रेस पार्टी हो गई है कि वो इस तरीके गलीज चीजों की आहार के रूप में ग्रहण कर रहे हैं और देश विरोधी बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि धामी सरकार अचानक से ये बिल लेके आ गई है और लोगों को चौंका दिया है, इस बिल का तैयारी शुरू से कर रहे हैं और ये अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी सरकार ने पहले ही कर दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग ये यूसीसी बिल लागू करेंगे। तो इन्हें कितना समय चाहिए? बार बार कांग्रेस की तरफ से यही बात कहा जा रहा है कि हमें मौका नहीं दिया गया, हमारी बातें नहीं सुनी गई, हमें चर्चा का मौका तो दीजिए, हम लोग अपनी बातें रखेंगे। तो भैया कितनी बातें रखनी है तुमको? तुमको आखिर कहना क्या है? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है, तुमको सिर्फ अपनी टंगरी घुसानी है इस चीज़ में कि किसी भी तरीके से मुस्लिम महिलाओं को अधिकार ना मिले, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिल जाए, वो पढ़ लिख जाए, उन्हें सुविधाएं मिल जाए, उनके बच्चों को सुविधाएं मिल जाए, तो वो लोग मोदी की तरफ अपना वोट घसका दें। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करनी है, देश हित से तुम्हारी कोई लेना देना नहीं है। तुम इसी तरीके की गद्दारी के वजह से आज विपक्ष में बैठे हो, आने वाले समय भी विपक्ष में बैठे रहोगे। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड तो हो गया, अब बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ तो पूरे देश में कई जगह पे है, चाहे आप यूपी ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, राजस्थान ले लें, गुजरात ले लें या और भी कोई राज्य ले लें, बहुत से जगह पे बीजेपी की बहुमत सहित राज्य सरकार चल रही है। तो क्या वो लोग भी इसे जल्द लागू करेंगे या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के होने के बाद का इंतजार वो कर रहे हैं, या इसे हम लोग देखेंगे कि जल्द से जल्द ये लागू हो जाएगा? और किस तरीके से अब देखना होगा कि धामी सरकार ये आने वाली चुनौती जो मुस्लिम लोगों के द्वारा उठाया जाएगा, मौलवी मौलानाओं के तरफ से लोगों को भड़का के वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होंगे, तोड़फोड़ होगी, और भी तरीके की चीज़ें वहाँ पर होने का अंदेशा लगाया जा रहा है, तो उस चीज़ों को कैसे धामी सरकार रोक पाती है ये भी हमें सोचने वाली या देखने वाली बात होगी। खैर जो भी हो, धामी सरकार के इस फैसले से हम काफ़ी खुश हैं कि अब कम से कम मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलेगा, वो भी सम्मानित भरी जिंदगी जी सकेंगी। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।